रविवार से राज्य में राजनीतिक स्थिति गर्म हो गई है। इस बार चुनाव आयोग सक्रिय है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट तलब की है ताकि यह पता चल सके कि 15 मार्च की रात को दमदम हवाई अड्डे पर अवरजन चैम्बर में क्या हुआ था। पिछले कुछ दिनों से अटकलें हवा में चल रही थी कि अभिषेक बंदोपाध्याय की पत्नी को सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, लेकिन रविवार से स्थिति गर्म होने लगी थी। उस दिन राज्य मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने घटना में राज्य पुलिस के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करने की शिकायत की। सांसद अभिषेक बाबू ने एक स्लीपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनका दावा है हवाई अड्डे के अधिकारी वास्तव में घटना के सीसीटीवी फुटेज प्रकाशित कर सकते हैं यदि उनकी पत्नी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अभिषेक का आरोप है कि अगर कुछ पाया गया तो सीमा शुल्क विभाग ने चीज़ों को जब्त क्यों नहीं किया। अभिषेक बाबू ने कहा कि अगर पत्नी के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सोमवार को भाजपा ने इस घटने के साथ फिर से एक पत्रकार बैठक की। भाजपा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने शिकायत की कि वर्तमान सरकार राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। मामले को लेकर दोनों पक्ष चुनाव आयोग आए, यही कारण है कि आयोग लंबे समय